अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020-30 का भारत और पाकिस्तान का, जिसको हम बोल सकते हैं कि हाईएस्ट वोल्टेज वाला मैच है, और ना सिर्फ अहमदाबाद के, गुजरात के, देश के अलग अलग कोने से और वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज से क्रिकेट के जो फ़ैन हैं और जो डायहार्ड फैन बोल सकते हैं, वो सब पहले से आ चुके हैं। अहमदाबाद पुलिस इसकी, हमारे यहाँ यजमानी हो रही थी, वी हैड बीन ऑल प्रिपेयर्ड, तो अहमदाबाद पुलिस ने सीपी सर, एचएम सर और डीजी सर के मार्गदर्शन में अहमदाबाद पुलिस राउंड द क्लॉक बंदोबस्त कर रही थी, हमारी पूरी तैयारी थी, और उसी तैयारी के तहत अहमदाबाद पुलिस ने हर जगह, आप स्क्रीन पे भी, जैसे मैं आपको दिखाऊंगी कि स्टेडियम का अंदर का, शहर के अलग अलग विस्तार का, तो सारा मॉनिटरिंग लाइव हम यहाँ से कर रहे हैं, और पुलिस बंदोबस्त और सारा मैन पावर से लेकर टेक्निकलिटी के साथ में हम पूरी तरह से तैयार हैं। आज सुबह से आप देख रहे हैं स्टेडियम के पास जो मूवमेंट है, उसमें शहर के सभी नागरिकों को कोई असुविधा ना हो और क्रिकेट के फैंस अपने तरीके से आराम से स्टेडियम तक पहुंच पाए, उसके लिए ट्रैफिक के डाइवर्जन्स प्लान किए गए थे, अलग अलग व्यवस्था की गई है। तो मैं एक तरह से कह सकती हूँ कि अहमदाबाद पुलिस हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एवरीथिंग इन सच अ फाइन वे, और आप जो आज एग्जीक्यूशन देख रहे हैं, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, तो हमारे लिए भी बड़ा उत्साह का है कि अहमदाबाद इसकी मेज़बानी कर रहा है और हम उसमें बहुत बड़ा हिस्सा प्ले कर रहे हैं। पूरा कंट्रोल रूम यहाँ पे खड़ा किया है मैच की पूरी तरह से निगरानी, सब चौक या तो बड़े रोड से लेकर स्टेडियम की जा रहे हैं, किस प्रकार से पूरी टीम तैनात है? शहर के अंदर 2000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे का नेटवर्क ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वो हमारा रेगुलर मॉनिटरिंग चलता है। इसके सिवा स्टेडियम के आसपास जा रहे अगर जो सारे मेजर जंक्शंस हैं, वहाँ पे भी ज़्यादा हम मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं पे कोई ट्रैफिक जाम ना हो, कोई स्टकअप ना हो, तो वो स्मूथ चलता रहे, उसके लिए हमारी तैयारी थी। साथ में स्टेडियम के अंदर जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा अवेलेबल नहीं था, तो हमारे पास हाईटेक सीसीटीवी सर्वेलेंस पोल है, जिसको पोर्टेबल है, जहाँ पे भी चाहिए हम वहाँ लगा सकते हैं, तो उसी तरीके से वो पोर्टेबल पोल्स भी हमने लगाए हुए हैं, उसका मॉनिटरिंग भी यहाँ से कर रहे हैं। अभी स्टेडियम के बाहर की तरफ हमने मॉनिटर किया है कि जो लोग अंदर जा रहे हैं वो अभी बाहर की तरफ अपना उत्साह प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे जैसे मैच का टाइम नज़दीक आ रहेगा, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे, तो वो सारा फ्लो अंदर जाता जाएगा, तो हम राउंड द क्लॉक एज पर द रिक्वायरमेंट हमारा मॉनिटरिंग चालू है। साथ में कुछ अफवाह भी चल रही है, क्या अपील करना चाहोगे इस मैच के बारे में? अहमदाबाद पुलिस, सिटी पुलिस कमिश्नर सर के नेतृत्व में पूरी टीम, वी हैड बीन ऑल गियर्ड अप, सारी तैयारियां हो चुकी है, कहीं कोई स्कोप नहीं है कि कहीं पे कोई भी अफवाह फैले। मैं सारे क्रिकेट रसिकों को शहर पुलिस टीम की तरफ से ये अपील करना चाहूँगी कि ये भारत और पाकिस्तान का ऐसा मैच है जिसमें ओवर टू ओवर, या मैं बोलूँगी कि बॉल टू बॉल उत्तेजना बनी रहती है, तो बस वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ मैच का आनंद लें और सिर्फ मैच पे ध्यान दें, किसी तरह की अफवाह पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सारी बातों का ध्यान रखने के लिए हम सक्षम हैं, हमारी पूरी सिटी पुलिस की पूरी टीम, ये सब तैयारी हम कर चुके थे और आज हमारा एग्जीक्यूशन है, सब कुछ स्मूथ जा रहा है, कहीं कोई इश्यू नहीं है, तो बस मैच का आनंद लें और किसी तरह की अफवाह पे ध्यान ना दें। साथ में शहर पुलिस की तरफ से स्मूथ सारा चलता रहे, उसके लिए जो भी आयोजन किया गया है, चाहे ट्रैफिक का है और किसी जगह का है, मेट्रो का ऑपरेशन है, तो वो सब में पुलिस को अपना काम करने में साथ और सहकार दे, किसी अफवाह पे ध्यान ना दे और बस मैच का आनंद उठाए। साथ में मैं ये भी कहूँगी कि नवरात्रि कल से शुरू हो रही है, तो उसके लिए भी अहमदाबाद पुलिस की तरफ से सभी को एडवांस में हम शुभेच्छा दे रहे हैं, और बस आज का माहौल मैच का है, मैच पे ध्यान दे, मैच का आनंद उठाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।